कितने सारे मोहब्बत का दिन है आज। गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह ने बाटे में बाबा हयात यानी पिला के रवाजात पात जो थी, जो ये लानत थी, इसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। यानी एक पिता एक इसके हम बारिक, एक बाटे में सब ने मिल के पिया, एक पिता एक इसके हम बारिक। यानी एक अल्लाह हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। अवलल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पाए को मंदे। जो हिंदू समाज चार वर्णों में बटा था, ब्राह्मण खत्री शूदर वैश्य, गुरु गोविंद सिंह उनको इकट्ठा किया। गुर एक सिख को, खालसे को, इसको विद्वान भी, आलिम फाजिल भी बनाया, इसको खत्री, इसको सूरमा भी बनाया, बहादुर भी बनाया, और इसको खेतीबाड़ी भी यानी सब की सेवा करनी, और शूदर यानी सफाई साफ पाक माहौल रखना। गुरु गोविंद सिंह ने चार जो असफात हैं इसे एक गुरसिख को निभाजा। तो क्या कुछ मैसेज रहेंगे आज के? मैसेज बस क्या, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत है बस। अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, हम नूर से सब पैदा हुए हैं, तो मजाइब बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल, सबकी मंजिल अल्लाह है, वाहेगुरु भगवान है। तो रास्ता एक अपनाना है, तो इज्जत सबकी करनी है ना। तो गुरु ग्रंथ साहब फरमान है, साचे साहब से मनवाने हर साहब में अंतर जाने। अल्लाह की बात करो, वाहेगुरु का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, सबसे प्यार मोहब्बत रखो। ये मखदूम साहब है, शारका देवी है, छठी पातशाह साथ साथ हैं। हम सदियों से भाईचारे में रहते आ रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, खुश होते हैं। जब त्यौहार किसी मज़हब के भी होता है, हम खुशी मनाते हैं। आज का दिन जो है बड़ा ही पाक दिन है। ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर धर्म का जो है आज त्यौहार है। सरदार भाई जो है यहाँ आज बैसाखी मना रहे हैं। हिंदू पंडित जो है आज नवरात्रा शुरुआत हुई है, और हमारे जो मुस्लिम भाई जो है पाक महीना माहे रमज़ान आज के रात से शुरू हो रहा है। इस पाक दिन पर मैं सभी वादी कश्मीर के आवाम को खुशामदीद बात कहना चाहूँगा, और आपके ज़रिए से उनको जो है बेस्ट विशेष कहना चाहूँगा। साथ ब साथ एक अपील भी करना चाहूँगा कि सेलिब्रेशंस है, फेस्टिवल्स है, वो हमारे
कल्चर का, समाज का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कोविड जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, उल्टा बढ़ रहा है। तो उससे चलते जो है आपने प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। मास्क, घर से बाहर निकले तो पूरा मास्क पहन करके ही निकले। सर रमजान आ रहा है, उसके लिए क्या इंतजाम बनाए हैं आपने? रमज़ान में जो है जो सिविक कम्युनिटीज रहती है, पानी, बिजली, फिर राशन और मार्केट चेकिंग, उस पर हमारा भर है। जो सुबह की ये जो होती है नमाज अदा होती है, उससे पहले जो सीढ़ी करते हैं उस समय जो है पानी की ज़रूरत रहती है। तो सिटीज़ में जो है नॉर्मली 6 बजे पानी आता है, वो जल्दी शुरू करने के लिए इकदाम दिए हुए हैं। हर जगह जो है जो हमारा इफ्तार है, तरावी है या सुबह की जो सेड़ी रहती है, उस समय बिजली का मुहैया कराना, वहाँ अवेलेबल करवाना के लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास करेगा। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हर जगह जब बिजली रहने के लिए प्रयास करेंगे तो हो सकता है कहीं ट्रांसफार्मर जल सके, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास रहेगा उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। प्रोटोकॉल जो है नॉर्मल प्रोटोकॉल जो है वो लागू रहेंगे, मास्क का पहनना, सैनिटाइज़र या हाथ साफ करना, और बाकी जो 45 से अबव वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करना। इवन जो रिलीजियस इदारे हैं उनमें भी हम जो लोग विलिंगली टेस्टिंग करना चाहेंगे उनके लिए टेस्टिंग की फैसिलिटी लगेंगे, और जो लोग मान लीजिए वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो नियर बाय हॉस्पिटल जो भी रहेगा वहाँ वैक्सीनेशन का कैंप लगाएंगे। थैंक यू सर।